कातले। मैं सिर्फ तुम्हें गल दसना चाहना वा कि वह कातल बहुत ही देर कानून की नजर तो बच के। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तानी दी फिल्म दादा उस्ताद लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हैं। 1984 विच रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म दादा उस्ताद। इस फिल्म दे अदाकार सुल्तान राई, जुमरद, रानी, नाजली, अली एजाज, नन्ना, रंगीला, अल्ताफ खान, अदीब, शायदा मनी, हबीब ते इकबाल हसन। इस फिल्म के अंदर इकबाल हसन ने विलन का किरदार अदा किया और बड़ा ही जबरदस्त काम किया है। यानी कि एक तरफ वो सेठ मोहसन होता है, बड़ा ही नेक और बड़ा ही अच्छा इंसान होता है, गरीबों की मदद करता है। तो दूसरी तरफ वो एक ब्लैक टाइगर होता है जिहड़ा कि दहशत की लामत होता है, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द, इनवर स्मगलिंग और बहुत सारे ओहदे तंदे होंदे ने। सुल्तान राई ने इस फिल्म के अंदर इंस्पैक्टर का किरदार अदा किया जिसका नाम सुल्तान होंदा है। सुल्तान की बीवी जुबैदा, जुबैदा का किरदार अदाकार जुमरद ने अदा किया है और उसकी एक बेटी भी होंदी है जिसका नाम पिंकी होंदा है, एक चाइल्ड स्टार होंदी है जिसने ये किरदार अदा किया है। खैर शुरू च तुम ये देखा होगा कि हर फिल्म के शुरू च प्यो दे धी का एक गाना होंदा है। इस तरह इस फिल्म के अंदर भी प्यो ते स्टार्टिंग ही प्यो ते धी का एक गाना होंदा है। और अली जाज ने और नन्ने ने जमाल दीन ते कमाल दीन का किरदार अदा किया है और बड़ी अच्छी कॉमेडी की थी है। और ये दोनों एक फ्राडी होते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं और अदालत ही झूठिया गवाहियां देते हैं, झूठिया गवाहियां दे के वह लोगों को पसंद हैं और इस तरह वो पैसा बटोरते हैं। तू कानून का मुजरम नहीं, ब्लैक टाइगर, मेरा भी इंतकाम है, आज मैं तेनू सब तो पहले जी झूठी गवाही देते हैं और नाजली के खिलाफ देते हैं। नाजली एक शरीफ कुड़ी होती है, वो खिलाफ वह गवाही देते हैं और अदालत उन्होंने चलनी का सर्टिफिकेट दे के जो मकान होता है वह खाली करने का हुक्म दे दी और महल च उस कट दें। और नाजली का नाम छमो होता है और जो अदालत झूठी गवाही दे के अदालत उन्होंने महल चू कट दें तो उन्होंने बड़ा गुस्सा आता है। उसकी सहेली होती है किरण, किरण का किरदार अदाकार राणी ने अदा किया है। और राणी ने जाके सारी सिचुएशन दसती है। राणी कहती है कि इन्होंने तेनों एक मकान च कढ़िया है तो इंशाल्लाह ये पूरे इलाके इन्होंने कोई मकान नहीं देगा। जिथे भी मकान लेंदे तो उन्होंने मकान मालक कट देता है क्योंकि यह दोनों पहुँच जाती हैं बच्चे लैके कि असी इन्हों बीवियाँ, इस तरह करके उन्होंने तंग कर दिया। और बड़ी ही अच्छी कॉमेडी और बड़ा ही अच्छा और इन्होंने बड़ा चारों ने बड़ा लाजवाब काम किया वे। खैर उस तो बाद इन्हों आपस ही प्यार हो जाता है, माफ़ी मांग लेंदियाँ। रंगीले ने इस फिल्म के अंदर बड़ी अच्छी कॉमेडी की थी, उसका नाम जुमा होता है और वह पुलिस कंस्टेबल होता है, पुलिस ही भर्ती होता है, पुलिस ही होता है। और सुल्तान राई जो थाने जाता है तो वह अली जाह ते नन्ने की तस्वीर वो हवाले करता है कि तू ए दो मुजरमान कल शाम तक मेरे कोल पेश करना है। खैर पूरी फिल्म के अंदर बड़ी जबरदस्त कॉमेडी की है रंगीले ने, दोनों ढूंढता रहता है और कई दफा उन्होंने कोचता है, उन्होंने कोचता है लेकिन उन्होंने पहचान नहीं सकता। और फिल्म के एंड तक, फिल्म के एंड तक वो आखिरी सीन तक उन्होंने ढूंढता रहता है। सुल्तारी रिश्वत लैण के इल्जाम पकड़ लेंदे क्योंकि उसके पिछे टाइगर होंदा है। सुल्तारी जिहड़ा होंदा है सुल्तान, वो टाइगर के पिछे होंदा है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करता है। और पुलिस दे इत्थे इक जेब कुतरा चढ़दा है जिसका नाम सादक अमीन होंदा है। सादक अमीन का किरदार अदाकार अदीब ने अदा किया है। सुल्तान राई उसनू समझांदा है और समझाने तो बाद जो तौबा करदा है तो अपने को रकम दे के कहता कि जा तू ए कारोबार अपना शुरू कर और यह रकम वापस नहीं देनी। और सादक अमीन जिहड़ा दीप होंदा है वह टाइगर के हत्थे चढ़ जाता है और टाइगर कहता है कि मैं जिस वेले चाहवा सुल्तान नू मुअत्तल करवा सकदा। खैर रिश्वत के इल्जाम मुअत्तल करवा देंदा है। अदालत नन्ना और अली जात उसके खिलाफ झूठी गवाही देते हैं और जो झूठी गवाही देने तो बाद उन्हों की नज़र सुल्तान उत्ते पैंदी, वह बड़े पछताते हैं। वह कहते हैं कि असी
अदालत के अंदर इतराफ़ कर देन कि असी यह गवाही झूठी दीती है, इस क्लाइंट ने सानू 10,000 रुपया दे के खरीदया सी जिसकी वजह तो असी यह झूठी गवाही दीती है। खैर अदालत उन्होंने गिरफ़्तार करने का हुक्म देती है, पुलिस उन्होंने गिरफ़्तार कर लेंदी है और जज ये कहता कि इहदा फैसला मैं अगली पेशी ते करांगा। खैर उन्होंने अदालत तो बाहर लिया के आते हैं और फरार हो जाते हैं, फरार होकर अदीब ने ढूंढते हैं और अदीब ने ढूंढ के अदालत ही पेश करते हैं और अदीब इतराफ करता है कि यह जड़ा काम ये मैं किया है, मैं सुल्तान नू फसाया, सुल्तान नू बाइज़त बरी कर दिता जाता है। सुल्तान अपने पिंड जाता है बीवी बच्चों नाल और ताकि अपने भरा नू मिले, उत्थे भरा नू मिलता और बच्ची नू सैल कराने वास्ते लैके जाता है और पिछे उसके भरा ते उसकी बीवी नू टाइगर कतल कर देता है और टाइगर जिहड़ा आंदा है आ के सुल्तान ते हमलावर होंदा है और उन्हें अगवा कर लैंदा है और उस वक्त उसकी बीवी और बच्ची मौजूद होंदी है, लेकिन पता नहीं क्यों टाइगर उन्होंने छोड़ देता वे, टाइगर उन्हें छोड़ दे, वो आंदी और हबीब जिहड़ा आज ही होंदा है वह आके बीवी नू सारी सिचुएशन दसती है कि जिहड़ा ब्लैक टाइगर है वह सेठ मोहसन है। खैर पुलिस भी उसके पिछे होंदी है। इधरों अदालत जिहड़ी जमाले ते कमाले नू 6 महीने कैद की सज़ा दे दी, उस कैद की कढ़ के बाहर आते हैं और सुल्तान जिहड़ा दुश्मन के कोल हुंदा है, सुल्तान नू जिहड़ा ना टाइगर खरीदना चाहता है, जदों नाकाम हो जाता है तो वह अपने बंदियां नू हुक्म देता है कि उसका ब्रेन वाश कर दिता जाए। खैर उसका ब्रेन वाश कर दिता जाता है और गायब हो जाता है। इधर उसकी बीवी परेशान होती है, उसकी बच्चे परेशान होती है, जमाला और कमाला वो परेशान होंगे। जदों जमाला ते कमाला जेल तो रिहा के आते हैं तो उन्होंने पता चलता है कि सुल्तान गायब है और सुल्तान की तलाश ही निकल दें तो जुमरद उन्होंने दसती है कि इस गेम के सारे पीछे सेठ मोहसन है। खैर वो पेस बदल के जाते हैं और ऐसा चक्कर चलाते हैं कि जिहड़ा सेठ मोहसन इकबाल हसन होंदा है वो उन्होंने चांसे जा जाता है और वो उन्होंने कहता है कि तुम इत्थे बैठो, बैठते हैं तो अपने जो संगी होंगे जो साथी होंगे उन्होंने नाल मीटिंग करते और कहता है कि मुल्क की दहशतगर्दी होनी चाहिए है, मैं इस मुल्क का जो बहुत वड्डा बंदा बनना चाहना और अपने साथियों को मुख्तलिफ टारगेट देता है और यह जो सारा काम होता है वह रिकॉर्ड कर लेंगे, पिक्चर बुला लेंगे और सबूत लैके फरार होना चाहते हैं, लेकिन टाइगर का साथी आ जाता है। खैर उस बंदे बेहोश करके उतों फरार हो जाते हैं और बंदा जिहड़ा ना टाइगर नू दसदा है कि इस तरह तेरे खिलाफ उन्होंने सबूत हासिल कर लेते हैं, उस जुमरद नू जाके अगवा कर लेंदे, सुल्तान की बच्ची नू अगवा कर लेंदे। सुल्तान ब्रेन वाश होने तों बाद बहुत सारे गैर कानूनी काम करता है, कई जिहड़ा ना ट्रक उन्होंने समगलिंग दे छुड़ांदा है, कई बंदियां नू कतल करता है, वो अगवा करके ले आंदे ते जुमरद की जदों सुल्तान ते नज़र पैंदी है तो उन्होंने पता चल जाता है कि उहदा मियाँ जिंदा। खैर रूटीन की तरह आम फिल्मां जिस तरह तुसीं वेख्या होगा एक गाना आउंदा है और जिहड़ा पहले गाना मैं तुहानूं दस्सिया कि दस्सिया सी पहले जिहड़ा गाना मैं तुहानूं दस्सिया सी कि सुल्तानी बच्ची दे नाल गाउंदा है, वह बच्ची उहदे नाल गाउंदी है, उहदी यादाश्त वापस आ जाती है और इस तरह जिहड़ा ना वह दुश्मनों नूं मारदा है और मार के जिहड़ा ना टाइगर नूं कतल कर देंदा है और सारे दुश्मनों नूं कतल कर देंदा है। इस दे अंदर 2-4 गाने जिहड़ा ना बड़े अच्छे ने, फिल्म दे इस दौरान मैं तुहानूं दस्सांगा 2-4 गाने बड़े अच्छे ने। खैर उस दौर की बड़ी अच्छी कहानी है, रूटीन की फिल्म सी और उस दौर की अच्छी और हिट फिल्म सी क्योंकि उस दौर के अंदर इस तरह दियां फिल्मां पसंद कीतियां जांदियां सन, एक ही तरह दियां कहानियां चलदियां सन, एक ही तरह दे जाना सिचुएशन होंदी सी। अली जाह दी अच्छी कॉमेडी, सुल्तान राई दी अच्छी एक्टिंग और जुमे दे किरदार विच अदाकार रंगीले दी बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है और यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है, तुसी जाके वेख सकते हो। अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी हो मेरे चैनल में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो शेयर करो, तो नैक्सट वीडियो तक रब राखा।